एपी पढ़ाए हैं सर। क्या सर? एपी का कंटेंट दिख रहा था हमें। हाँ सर, एपी पढ़ाया है आज दूसरे बैचेस में, है ना। और इधर पे बस अब कुछ दिन में लिमिट स्टार्ट करने का मन है ना। अच्छा अच्छा, तो जो भी पढ़ाना है सर, बहुत मन के साथ पढ़ाना है, बहुत पूर्ण मनोभाव के साथ पढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और खैर, आप लोग का साथ है तो सर कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट आ जाए, सूरज सर और अपने आकाश सर, इन सब लोगों के सामने कहाँ कुछ टिक सकता है भाई साहब। आप लोग मैथ्स के क्षेत्र के बड़े बड़े अभिमन्यु हैं सर। आप लोग जब मेहनत करने पे आ जाएं तो फिर कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ नहीं रह जाती है। आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है सर। चलिए मित्रों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सर ने कल समझाइश दी है कि थोड़ा स्लो चलिए, मगर एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक तो इंट्रैक्शन बना करके रखिए। मतलब जैसे मैं कहीं पर फास्ट हो रहा हूँ तो आप मुझे प्लीज़ बोलिए कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। हाँ हाँ बिल्कुल सर, सभी लोगों को ये छूट है भाई, माइक ओपन करके आप लोग बता दिया करिए कि सर यहाँ कोई दिक्कत हो रही तो आप बता दिया करिए बेहिचक। बिल्कुल, तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्लो करूँ, आप मेरे को बताइए स्लो कर लूँ। जहाँ पर किसी चीज़ को दोबारा रिपीट करने की बात है, आप मुझसे दोबारा रिपीट करवाइए। कोई कंसेप्ट अगर आपके पास उससे छोटा है, उससे सरल है, उससे ईजी है, तो उस कंसेप्ट को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजिए और साथ ही साथ क्लास में भी डिस्कस करिए कि सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी जी जी। ऐसा नहीं है, नए कॉन्सेप्ट को भी आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक ठीक सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ उससे अच्छा आपको नहीं आ सकता है। हमने भी सीख रखा, आपने भी सीख रखा, आपको भी बहुत कुछ अच्छा आ सकता है और आता ही होगा। तो और बाकी के टाइम पे आप लोग अपना मोबाइल म्यूट रखिएगा, जब तक मैं बोलूँगा तब तक आप लोग म्यूट कर लीजिएगा। फिर आप लोग को यदि कुछ बताना हो तो आप लोग ज़रूर फिर उसके बाद अनम्यूट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो टॉपिक डालिए। यस, अभी यहाँ पे साउंड आ रहा है, प्लीज़ आप माइक अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, म्यूट है। राहुल सिंह जी, आपका माइक चालू है, इसे म्यूट कर देता हूँ मैं। ठीक है, यस। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल आपको फर्स्ट डे की क्लास में मैंने आपको बताया दो बलों का परिणामी, या जिसे कहते हैं दो सदिशों का परिणामी, दो सदिशों का परिणामी। देखिए, मान लीजिए कि आप किसी, ये कोई बॉल है या कोई ब्लॉक है, कोई वस्तु है, आप इस पर दो बल लगा रहे हैं। एक बल आप लग रहे हैं F1 और एक बल आप लगा रहे हैं F2। ओके, तो F1 और F2 दोनों अलग अलग दिशा में आप बल लगा रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि आप दो अलग अलग बल ना लगा करके एक ऐसा बल लगाएं जो दोनों के लिए अकेला होकर के दोनों के बराबर काम करे? बेशक ऐसा बल हो सकता है, क्योंकि ये बल एक अलग दिशा में लग रहा है, ये बल एक अलग दिशा में लग रहा है, इन दोनों का जो कंबाइंड प्रभाव जनरेट होगा वो इस तरीके से जाएगा। उसे कैसे दे सकते हैं आप लोग? उसे आप पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के नियम के द्वारा आप दे सकते हैं, और ये है इन दोनों बलों का परिणामी। देखिए मैंने क्या कहा है, परिणामी। परिणामी का मतलब होता है, परिणामी का मतलब होता है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट, परिणामी। अब जो रिजल्टेंट बल आया है उसका कुछ ना कुछ परिमाण है, तो पहले मैंने परिणामी बोला है और अब मैं बोल रहा हूं इस रिजल्टेंट बल का कुछ ना कुछ परिमाण है। परिमाण का शुद्ध मायनों में मतलब होता है दम, मतलब कितना दम है इसके अंदर, बल के अंदर कितना दम है। इसका कुछ ना कुछ बल का परिमाण है, उस परिमाण को हम बोलते हैं दम। जैसे आपने कहा मैं तुम्हें बहुत जोर का घूंसा मारूंगा, तो घूंसा जो है वो बल है। अब इस घूंसे में दो चीज़ें आप ज़रूर बताइए, अगर आप फिजिक्स को मानते हैं तो आप दो चीज़ें ज़रूर बताइए, एक घूंसा कितने का मारेंगे और दूसरा घूंसा कहाँ पर मारेंगे। तो घूंसा कितने का मारेंगे, 5 न्यूटन का, 6 न्यूटन का, वो है परिमाण, मतलब कि दम। और कहाँ मारेंगे, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा से 30 अंश का कोण बनाते हुए,
वो है दिशा। इसीलिए कहते हैं कि सदिश राशि जो होती हैं उनमें दो चीज़ें हुई करती हैं, एक तो परिमाण होता है, दूसरा दिशा होती है। तो ये परिमाण की बात अभी मैंने करी है, तो दो सदिश अगर दो बल हैं या दो सदिश हैं, F1 F2 मैंने बल ले लिया है, तो उनका परिमाण निकालने का फॉर्मूला एक नोट कर लें, R बराबर पहले बल का परिमाण का स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ 2021 का, इसमें इससे क्वेश्चन आया, इस बार भी यकीनन क्वेश्चन इससे आएगा, क्योंकि स्थैतिकी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इसके सारे जो परिमाण वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से बनते हैं, इसलिए स्थैतिकी का बहुत बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे थीटा क्या है, तो याद रखिएगा ये जो दो बल लग रहे थे ये दो बलों के बीच का कोण है थीटा, दो बलों के बीच का कोण है थीटा। अब एक चीज़ देखिए, दोनों बलों का जो परिणामी, क्या बोल रहा हूँ, परिणामी मतलब रिजल्ट, हिंदी इंग्लिश में बोलना इजी है, रिजल्ट हिंदी में बोलना कठिन है, क्योंकि एक है परिणामी और एक है परिमाण, मतलब एक है परिणाम और एक है परिमाण, तो आप समझ रहे हो कितना मुश्किल है बोलना इसको, एक बार परिणाम है और एक बार परिमाण है। तो मैं दोनों के आपको इंग्लिश कन्वर्जन बताया देता हूँ, वो आपको बड़े आसान लगेंगे, तो उनको अपन बोलेंगे। जो परिणामी होता है, सेकंड, हाँ जी, तो जो आपके पास में परिणामी होता है, परिणाम को बोलते हैं रिजल्ट, इसको बोलते हैं रिजल्ट, तो आप कॉपी में लिख लीजिए रिजल्ट, क्योंकि मैं बार बार इसे बोलूँगा तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए इंग्लिश में मैं बोलूँगा। एक एक होता है परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, तो आप माइक म्यूट कर लीजिए, एक माइक ऑन है उसको प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, यस। तो परिमाण और परिणाम दो अलग अलग बातें यहाँ पे अपन ने कर ली हैं, ठीक है ना, दोनों बातें यहाँ पे हमने क्लियर कर दी हैं। तो दोनों बलों के बीच का फाइनली हमने रिजल्टेंट यानी कि परिणाम, परिणामी सदिश का परिमाण पढ़ लिया, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का ये क्या है, परिमाण है, परिमाण मतलब कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जिसे हिंदी में आप दम दम बोल सकते हैं। प्लीज़ माइक म्यूट कर लीजिए, किन्हीं सर का माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लीजिए, यस। सर आपका माइक ऑन है, राहुल सिंह सर, राहुल सिंह सर प्लीज़ माइक ऑफ करके रखिए आप, हाँ थैंक यू सर। तो मैं दोस्तों आपसे कह रहा था कि रिजल्टेंट का जो आ चुका है, परिमाण आ चुका है, अब ये देखिए दोनों बलों के बीच का कोण कितना था, थीटा था, मतलब कुछ ऐसा समझिए प्रैक्टिकल के लिए कि एक बल आपके पास में 5 न्यूटन है और एक बल आपके पास में 10 न्यूटन है और दोनों बल 60 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं। तो पहला सवाल आ सकता है आपके सामने कि बताइए दोनों बलों की जगह आप एक बल लगाओ तो वो बल का प्रभाव क्या होगा। तो आपको उस बल का प्रभाव ज्ञात करने के लिए क्या निकालना है, उस बल की, नंबर वन उस बल का दम, तो दम निकलेगा इस फॉर्मूले से, इसको नोट कीजिए, ये दम का फॉर्मूला है, मींस ये इसके परिमाण का फॉर्मूला है, और दूसरा उसकी दिशा, तो दिशा समझिए, ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन इस बार दिशा से आया था। तो ये जो है दिशा, दिशा आप किस सदिश के साथ देते हैं, नीचे वाले सदिश के साथ, ओके। नीचे वाला सदिश जो है अपन ने F1 लिया है, ऊपर वाला सदिश F2 लिया है, तो नीचे वाला सदिश मतलब आधार सदिश के साथ इसका कोण अल्फा होता है। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, टेन अल्फा इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप याद करेंगे प्लीज़, क्या डिस्टर्बेंस के लिए चलिए आगे, तो टेन अल्फा इक्वल्स टू, आज काफ़ी सदस्य जुड़े हुए हैं भाई साहब, 13, 14, 15 लोग जुड़ चुके हैं अभी तक, बहुत बहुत धन्यवाद, अंत तक ऊर्जा बना करके रखें और मुझे मोटिवेट करते रहें तो मैं बेहतर से बेहतर आपको सिखा पाऊंगा। तो टेन अल्फा दोनों सदिशों के बीच का कोण नहीं है, ये जो परिणामी सदिश है उसका सदिश का कोण किसके साथ, आधार सदिश के साथ, ये फॉर्मूला नोट कर लें, F2 साइन थीटा
अपॉन एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा। ये नोट कर लें, बलों के लिए है। और अगर सीधी बात की जाए कि यदि आप वेक्टर ए और वेक्टर बी की भाषा में बात करें, ये सदिश ए है और ये सदिश बी है, दोनों के बीच का कोण थीटा है, दोनों के बीच से सदिश जा रहा है जिसका नाम है आर, वो इन दोनों का परिणामी है और ये इसका बन रहा है दिशा वाला कोण। तो परिणामी सदिश की दिशा, दम निकाल चुके हैं ऊपर, आप कहें तो दम दोबारा निकाल के बता दूं, दम मतलब परिमाण क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और अब दिशा निकालेंगे तो टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये नोट कर लें प्लीज़, याद रखिएगा दिशा ये आधार के साथ है। जी हाँ, ये दिशा जो है ये आधार के साथ है। तो अगर आपसे कोई कह दे कि ऊपर वाले वेक्टर के साथ दिशा निकालो, तो नीचे वाले वेक्टर के साथ अल्फा कोण बन रहा है, तो ऊपर वाले के साथ कितना बनेगा, थीटा माइनस अल्फा। तो अगर आपको ऊपर वाले के साथ दिशा बताने को कह दे तो क्या चलेगा, थीटा माइनस अल्फा। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, पानी बरसने वाला, हालांकि वो अपने इसमें इतने डिफ़िकल्ट नहीं आएंगे, मगर इसमें जो आएंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए यहाँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट जल्दी हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट हो जाए तो यस डन बोल दें एक बार। यस, समझ में आ गया, कोई दिक्कत मित्रों? सर ये थीटा माइनस अल्फा के बारे में आपने कुछ बताया क्या, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। मैंने ये कहा है सर कि जैसे इन मूल अवस्था में सर इन दोनों सदिशों के, राहुल भैया माइक ऑफ कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। राहुल सिंह सर माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, आप बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं राहुल सिंह सर, थोड़ा आवाज ज्यादा आती है इसलिए माइक ऑफ कर लिया करिए। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वेलकम, आप ज़रूर पूछिए। तो देखिए यहाँ पे सर मैंने ये कहा कि सदिश ए और सदिश बी मूल रूप से इनके बीच का कोण थीटा है, जब हम परिणामी निकालेंगे तो हमें जो कोण मिलेगा अल्फा वो इस आधार वाले सदिश के साथ मिलेगा जो कि नीचे है। अगर प्रश्न में आपसे अल्फा नहीं पूछा, प्रश्न में आपसे ये वाला कोण पूछ लिया ऊपर वाला, ऊपर वाले सदिश के साथ, तो कुल कोण में से आपको नीचे वाला कोण माइनस करना पड़ेगा, तो जो कोण आएगा थीटा माइनस अल्फा वो ऊपर वाले सदिश के साथ आ जाएगा। ठीक है ना सर? हाँ सर ठीक है सर। हाँ तो थीटा माइनस अल्फा मतलब कई बार क्वेश्चन में ये वाला कोण पूछता है और कई बार ये वाला कोण पूछता है, 2021 के पेपर में ऊपर वाला कोण पूछा हुआ था, तो अल्फा निकाल करके थीटा माइनस अल्फा की जो वैल्यू होगी सर, बिल्कुल सर लोकेश सर। हाँ सर, ये टेन थीटा माइनस अल्फा हमें टैकल करना पड़ेगा या ओनली थीटा माइनस अल्फा? सर आप जब अल्फा सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा मान लो सर सॉल्व करने के बाद मान लो आ गया सर 45 डिग्री आ गया। ओके सर समझ गया सर। तो आपके पास थीटा मान लो सर टोटल 60 दिया हुआ है, मतलब तो एंगल हमें बताना है। बिल्कुल सर, कोण की फॉर्म में आएगा वो, एंगल की फॉर्म में, तो इजीली हम लोग उसको निकाल लेंगे। ठीक सर, थैंक यू सर, वेलकम सर। चलिए तो सर आगे बढ़ते हैं, तो एक फार्मूला तो ये हो गया, आई होप आपने इसको सीख लिया होगा। अब देखते हैं कि इस पर एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं, आप लोग को मुझे बताना है सॉल्व करके कि कितनी वैल्यू आएगी कोण की, टेन अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है आपको, मैं आपको लिख देता हूँ, मुझे टेन अल्फ़ा आपको बता करके देना है कि कितना होगा। और सदिश आपके सामने मैं दो दे रहा हूँ, एक सदिश मैं दे रहा हूँ 5 न्यूटन का बल यहाँ लग रहा है और 20 न्यूटन का बल यहाँ पर बॉडी पर लग रहा है, ये 20 न्यूटन का बल है, हालांकि मैंने देखा जाए तो फिजिक्स के नियमों का मैंने यहाँ पर घनघोर उल्लंघन कर दिया है, क्योंकि 20 न्यूटन जो है 5 न्यूटन के मामले में 4 गुना है, तो इसका जो सदिश का लंबाई होगी वो 4 गुना होगी और 5 न्यूटन जो होगा 1 गुना होगा, तो ईमानदारी से मुझे 5 न्यूटन इतना लेना चाहिए और 4 न्यूटन इससे भी बड़ा, इसका 4 गुना लेना चाहिए, मगर यहाँ पर मेरी स्क्रीन ख़त्म हो गई है इसलिए आप लोग काम चला लीजिए। इनके बीच का कोण मैंने यहाँ पर दिया आपको 120 डिग्री। मित्रों आपको मुझे बताना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका दम कितना होगा, अर्थात परिमाण कितना होगा,
और दूसरा परिणामी सदिश की, रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश की दिशा कितनी होगी, मतलब ये वाला कोण मुझे आपको बताना है, मगर टेन के पदों में बताना है, मतलब अल्फा नहीं चाहिए मुझे, मुझे टेन अल्फा चाहिए। चलिए बताइए जल्दी से कि टेन अल्फा क्या होगा। चलिए मित्रों बताइए क्या होगा टेन अल्फा, सॉल्व कीजिए इसको। तो परिमाण बताइए, परिमाण बेहद सरल है, ठीक है ना। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ए सदिश का परिमाण क्यों नहीं लिखते, तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि चाहे आप ए वेक्टर का मॉड लिखो चाहे ए लिखो, दोनों बराबर है, तो क्यों मेहनत करना भाई। अब तो 12वीं क्लास में हम लोग हैं नहीं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जितना छोटे की आदत बना सकते हो बना दो, क्योंकि याद रखिएगा यूपी टीजीटी में आपको हराता है टाइमिंग, बैड टाइमिंग, ठीक है ना। टाइमिंग का खेल है इसमें, आपकी एक्यूरेसी तो ठीक है काम कर देगी, मगर आपकी टाइमिंग ख़राब है तो यूपी और आपका जो एनवीएस का दूसरा एग्ज़ाम आया है इसमें बहुत ज़्यादा अखरता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। हमसे क्वेश्चन पूरे बन रहे होते हैं मगर हमारे पास समय नहीं हो पाता है, तो टाइमिंग का बहुत ज़बरदस्त रोल है। चलिए करिए इसको सॉल्व जल्दी से, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आंसर बताइए कितना आया परिमाण। सर रूट में 5 to 5, रूट 525। देखते हैं कैसे आता है रूट 525। अंडर रूट ए का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, प्लस 2 ए मतलब 5, बी का मतलब बी, और कॉस थीटा यानी कॉस 120 जो कि डायरेक्टली होता है -1/2। मैंने फार्मूला लगा दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा का। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से ये 10 बार चला गया है, तो 25 425, ओ और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, नहीं माइनस हो गया, नहीं तो 450 कैसे आ सकता है। 2 5 10 एंड 10 10 100, सही कर रहा हूँ सर। रूट 325 सर, 325 आ रहा है, बिल्कुल सही, अंडर रूट 325 न्यूटन लगाना ना भूलें, क्योंकि बल की बात है, तो आंसर है रूट 325 न्यूटन। अब जिन हमारे साथियों ने गलत किया है प्लस माइनस साइन में, यहाँ माइनस नहीं लिया है, अब याद रखेंगे कि एक क्वेश्चन जाएगा तो बहुत सारा रैंक ऊपर नीचे हो जाएगा, बड़ा गंभीर मामला हो जाता है, माइनस प्लस में थोड़ा सा नज़र बनाए रखिए। अब अल्फ़ा की बात करते हैं, टेन अल्फ़ा निकालने को कहा है सर ने, तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन होता है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी की वैल्यू यहाँ पर है 20, क्योंकि ऊपर वाला सदिश मैंने 20 दे रखा है, 20 साइन थीटा, साइन कितने डिग्री है 120 डिग्री, अपॉन ए प्लस बी, ए मतलब 5 प्लस 20 कॉस 120 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 साइन 120 पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस 60 करके बनाएंगे तो साइन 60 निकलेगा, बोलो कितना, रूट 3/2। अब 5 प्लस कॉस 2 है और कॉस 120 डिग्री तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, कॉस 120 माइनस 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 में से 1 माइनस हो गया तो कितना बच गया 4, तो 20 से 2 पहले ऊपर कैंसिल हो गया तो 10 रूट 3 और नीचे कितना हो गया 4। हाँ बोलिए, तो माइनस 2 रूट 3 आ रहा है, माइनस 2 रूट 3 क्यों आ रहा है, माइनस 2 रूट 3 करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी सर, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा। देखिए सर 2 से 10 बचा ना सर, ये नहीं, ये सर 20 है, जो सर आपने 2 लिखा है वो 20 इनटू -1/2, 5 प्लस 20 सर, नीचे 5 आएगा। यस बिल्कुल सही है, तो 2 से यहाँ पे 10 चला जाएगा, तो सर ये 10 बच गया ना, 5 - 10 नेगेटिव 5, 5 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही सर। तो ऊपर है 10 रूट 3 और नीचे कितना सर, सर स्क्रीन शॉट भी शेयर करिए, दिख नहीं रहा है कुछ, और बस आवाज आ रही है। नहीं सर आपका नेटवर्क कमजोर होगा सर, आ क्यों स्क्रीन दिख रही ना सभी को, यस सर, हाँ ठीक है सर, ये मेरे में तो दिख ही नहीं, तो -2√3 ये हो गया, ठीक है जी सर। सूरज सर सही करा अपना कैलकुलेशन, दिक्कत तो नहीं है, नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर, -2√3 विल बी करेक्ट आंसर, यस। तो देखिए यहाँ पे 10 अल्फा इज इक्वल टू -2√3 आ गया है और हमें 10 अल्फा निकालने को बोला गया था। तो कई बार क्या कह देता है क्वेश्चन कह देता है कि कोण की दिशात्मक कोण की स्पर्शज्या मांगता है,
और हम पीछे रहते हैं कोण के, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन स्पर्शज्या मांग लेता है और स्पर्शज्या को इंग्लिश में टेन थीटा ही बोलते हैं, तो आपको टेन ही निकालना होता है और हम सोचते हैं कि हमको कुछ और निकालना है, पढ़ नहीं पाते सही से। तो याद रखिएगा कई बार वो स्पर्शज्या पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको कुछ लोग ऐड होना चाहते हैं। यस सर, पर कभी कभी आंसर टेन इनवर्स में भी तो देते हैं ना। बिल्कुल, अगर आपको कोण बोलेगा, अगर आपको कोण कहेगा तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस टू रूट थ्री का यदि विकल्प है तो आप उसको लगा सकते हैं, ठीक ना। अल्फा की वैल्यू इसमें आ जाएगी और अगर कोई वो ऑप्शन में रहेगा सर, एक आरडी टू ऑप्शन हम लोग उसको टैकल कर लेंगे। ओके ओके। और अगर आपको रूट थ्री है डायरेक्टली तो 60 डिग्री या माइनस रूट थ्री है तो आप स्वादानुसार जिस क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे, है ना। चलिए तो ये हो गया। और अब इसके बाद मैंने लामीस थ्योरम उस दिन बताई थी, लामीस थ्योरम के कुछ और क्वेश्चन। तो परिणाम परिमाण वाले और इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस फॉर्मूले पे, तो मैं कहूँगा इसको तो बहुत तैयार करके जाइए। और डोंट वरी, इसके क्वेश्चन मैं बीच बीच में करवाते रहूँगा, अभी मैं इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं देता रहूँगा। चलिए आगे चलते हैं, लामीस थ्योरम के कुछ क्वेश्चन करते हैं। लामीस थ्योरम सर ने कहा कि सर थोड़ा अच्छे से डिटेल में लामीस थ्योरम बताना है हमें बच्चों को, तो मैं लामीस थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने मंडे की क्लास में लामीस थ्योरम का पहला क्वेश्चन कराया था, तो आज लामीस थ्योरम एक बार और मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है सर। हाँ जी सर, ये जो अभी आपने रिजल्टेंट और टेन अल्फा पढ़ाया इससे रिलेटेड अभी और कुछ क्वेश्चंस हो तो उनको भी सॉल्व करवा दीजिए। हाँ इफ पॉसिबल सर, हैं क्वेश्चंस तो चलिए। अगर सर मैंने उसमें देखा था बुक में, मतलब हाँ, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस होते हैं जो समझ में नहीं आते, उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, एक बार सर उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। मैं धीरे धीरे जितनी चीज़ें मेरे पास हैं मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। कंटेंट बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैंने क्वेश्चन को सेग्रीगेट उतना बढ़िया नहीं करा है। फिर भी सर ने कहा है इसी बुक में 13 क्वेश्चन है, इसी बुक का 13 क्वेश्चन नंबर 13 जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये इसको मुझे बाद में कराना पड़ेगा, ठीक ना, इसको दूसरे तरीके से कराना है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 अभी छोड़ दीजिए, उसकी थ्योरी मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, मैं बाद में करा दूंगा। अभी देखिए जो मैं आपको करा रहा हूँ, जैसे रिजल्टेंट वाला एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ वो आप लोग करिए। यस चलिए ये क्वेश्चन देखिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 31, ए पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम अंडर थ्री फोर्सेस, टू ऑफ द फोर्सेस एक्ट एट राइट एंगल, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, तीन बलों के बीच एक कण साम्यावस्था में है जिनमें दो बल समकोण पर लग रहे हैं और एक बल दूसरे की तुलना में दो गुना है, तीसरे बल परिमाण में 10 न्यूटन है, तब दोनों बलों का परिमाण क्या होगा। चलिए एक मिनट आपको दिया मैंने, जल्दी से प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को करने का, लगाइए दिमाग लगाइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एकदम आसान क्वेश्चन है, समकोण वाली सिचुएशन है, मतलब दो बल जो हैं समकोण की स्थिति में लग रहे हैं। ओके तो अगर दो बल पी और क्यू समकोण की स्थिति में लगेंगे तो P और Q का परिणामी सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता होगा कि इसका परिमाण होता है अंडर रूट आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बोले क्लियर है कि नहीं है। हाँ आंसर बोलिए जी, दोनों बलों का परिमाण आ गया। हाँ, किसी आ गया? हाँ, किसी का? हाँ सर। कितना आया सर? दिख ही नहीं रहा है सर, क्या बताएं। आप नेटवर्क स्लो है आपका, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल पावरफुल नेटवर्क में बैठा हुआ हूँ। आंसर एक आ रहा है 20 न्यूटन, एक आ रहा है 2√20 क्योंकि पी जो दुगना है 2 क्यू के। चलिए बिल्कुल देखते हैं कि एक है 20 एक है 2√20, तो देखिए दोनों बल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों बल एक दूसरे के लंबवत हैं और कहा गया है कि एक बल दूसरे का जो है, एक बल अगर पी है और दूसरा बल यदि क्यू है और ये कहा गया है कि दूसरा वाला बल पहले वाले का दुगना है तो एक बल हो जाएगा 2p और दोनों परपेंडिकुलर हैं तो जो इनका परिमाण आएगा, परिमाण कितना आ रहा है 10 का, परिमाण आ रहा है 10। तो आपने पढ़ा है कि रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो क्यू की जगह क्या यूज़ करेंगे 2p स्क्वायर, परिमाण 10 का है तो 10 यूज़ कर लेंगे और दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो 10 का वर्ग बराबर पी का वर्ग प्लस
फोर पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फाइव पी स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 20, इट मीन्स पी इक्वल्स टू अंडर रूट 20। सो यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो बल आएगा, तो पी तो आ गया अंडर रूट 20 न्यूटन, और जो क्यू है वो दो गुना है पी का, इट मीन्स टू टाइम्स ऑफ रूट 20 न्यूटन, ये हो गया। बोलिए ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आते हैं, और अभी मेरे पास ये सवाल जो हैं मिक्स हैं, और इनको मैं अलग अलग तो नहीं कर पाऊँगा अब, तो जैसे जैसे मिलते जाएंगे सर वैसे वैसे मैं सवाल कराते जाऊँगा, ठीक है सर। आप लोगों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन कि नहीं आया बताइए, क्लियर है ना ये क्वेश्चन? हाँ जी आ गया जी। तो देखिए आप डोंट वरी, उससे निश्चिंत रहिए, सवाल लेट आएगा पहले आएगा, मैं आपके कंसेप्ट बना रहा हूँ, आप जितना मैं सिखा रहा हूँ मेरे को जितना आता है आप लोग उतना सीख लीजिए, जितना मैक्सिमम मेरे को बनता है मैं उतना बता दूंगा। अब लामीज़ थ्योरम के कुछ कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लामीज़ थ्योरम के आज कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो लामीज़ थ्योरम के क्वेश्चन देख लीजिए आप। चलिए तो लामीज़ थ्योरम मैंने उस दिन क्या बताया थे आपको, पहले मैं लामीज़ थ्योरम आपको बता देता हूँ, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, लामीज़ थ्योरम, लामीज़ थ्योरम का कहना है कि अगर एक ही बिंदु पर तीन बल साम्यावस्था में हैं, तीन बल साम्यावस्था में हैं, तो ये आपके सामने एक बल P लग रहा है, एक बल आपके सामने क्यू लग रहा है। जी बोलिए सर, ये किसी बुक से करा रहा है या फिर कोई टॉपिक किसी पेपर से करा रहा है? सर मैं मेरा खुद का रिटन मटेरियल मैं उससे करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई बुक्स नहीं है सर मेरे पास में, है ना, और आपके पास मैं क्वेश्चन उठाने के लिए वो मेरे पास जो आपकी कौन सी पब्लिकेशन, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है वो मेरे पास बुक है, उससे मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। तो ये देखिए आपके पास में पी क्यू आर तीन बल हैं, और तीन बलों के बीच का एंगल जो है, ये बल, ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल आपके पास बीटा है, और ये एंगल आपके पास गामा है। तो क्या कहता है लामीज़ थ्योरम? लामीज़ थ्योरम कहती है कि जो बल होते हैं, हेलो सर, जी बोलिए, जी कहिए सर। तो यदि ये तीनों बल संतुलित अवस्था में हैं, यदि तीनों बल साम्यावस्था में हैं, साम्यावस्था में होने का मतलब निकाय पर लगने वाला कुल बल बराबर शून्य है, ये कहलाती है साम्यावस्था की डेफिनेशन, ये है साम्यावस्था। तो मैं अभी आपको वेक्टर का एक बहुत बढ़िया नियम बताने वाला हूँ जो आपकी बहुत सारी मदद करेगा। तो अगर ये बल साम्यावस्था में, चक्र भी उठाते हैं सर, घटना चक्र से भी चलता है। जी सर करा रहा हूँ मैं, उसी से करा रहा हूँ, घटना चक्र अभी नहीं सर, पहले मैंने एक सैंपल पेपर से करा रहा हूँ, वक्त मिलेगा तो घटना चक्र भी करा दूंगा सर मैं, और मेरे पुराने वीडियोस बने हुए हैं सर, आपको यदि डिटेल में पढ़ना हो तो वो मैं लिंक दे दूंगा, आप उससे जितना देखना हो देखिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कहता है ये लामीज़ का नियम, कि जो बल होता है इसके सामने वाला जो कोण होता है उसके समानुपाती होता है, मतलब P प्रोपोर्शनल टू सामने वाले के कोण के नहीं, सामने वाले के साइन के कोण के, मतलब हिंदी में ज्या कोण के, तो P प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, ओके, P के सामने का एंगल अल्फा है तो P प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, तो Q प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा एंड R प्रोपोर्शनल टू साइन गामा, ये होता है। अगर इसको खोल लोगे आप तो P इज इक्वल टू K साइन अल्फा, यहाँ से Q इक्वल टू K साइन बीटा एंड R इक्वल टू K साइन गामा आएगा। अगर आप अपॉन में ले जाओ तो P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। तो ये जो रिजल्ट कहलाता है ये लामीज़ थ्योरम का स्टैंडर्ड रिजल्ट कहलाता है। अब ये आता कैसे है मैं ये रिजल्ट आपको बता रहा हूँ कि ये रिजल्ट आता कैसे है। देखिए वेक्टर का एक बहुत ज़बरदस्त वाला गुण होता है जो काफ़ी कम लोगों को पता होता है कि आप किसी भी सदिश को समानांतर प्रतिस्थापित कर सकते हो। कोई भी सदिश है आप उसको बड़े प्यार से समानांतर रूप से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, उसको प्रतिस्थापित करने में कोई बुराई नहीं है। तो आइए देखिए ये हमारे सामने एक सदिश है,
इसको हम समानांतर सदिश यदि प्रस्थापित लिंक सर ग्रुप पे देंगे कैसे देंगे क्या सर? सर क्या पूछ रहे हैं आप? सर यदि कोई हमारे पास सदिश है और उसको हम समानांतर प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो देखिए कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि सदिश को हम समानांतर कैसे प्रतिस्थापित करेंगे। ये देखिए ये सदिश आपके पास P है तो इसको आप आधार में P बना लीजिए, इसको आधार में P बना लीजिए। अब आप इस चीज़ को महसूस करिए कि P के साथ ये जो सदिश है ये एंगल बना रहा है कितना गामा। अगर इसको यहाँ से बैठे बैठे आप पैरेलल शिफ्ट करो, खिसका करके आप यहाँ ले जाओ इस पॉइंट पर, तो ये सदिश जो है पैरेलल शिफ्ट होने में समांतर रूप से प्रतिस्थापित हो जाएगा यहाँ, और इसका ये एरो कैसा बनेगा ऊपर। और आप समझ रहे होंगे कि ये गामा वाला एंगल बाहर बन रहा था तो ये गामा वाला एंगल कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। यस, तो अगर ये एंगल गामा बाहर बन गया है तो अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा पाई माइनस गामा, मतलब कि 180 माइनस गामा ये बन गया है। आप देखिए कि ये वाला जो सदिश था जो कि इसके साथ कितना एंगल बना रहा था, बीटा एंगल बना रहा था, ये वाला जो सदिश है ये इधर की ओर जो है जाने पर कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल नीचे की तरफ। तो यदि इसको आप किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर ये बीटा एंगल बना रहा था पहले, कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, मगर अब क्या करो, अब इसको आप पीछे की तरफ शिफ्ट कर दो। तो यदि आप इसको पीछे की तरफ शिफ्ट करोगे तो क्योंकि इधर का एंगल नीचे वाला बीटा है तो पीछे वाला एंगल क्या बनेगा, पाई माइनस बीटा, ये वाला एंगल बनेगा पाई माइनस बीटा। और आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये एंगल हमारे पास अल्फा है, अल्फा हमारे पास किस किस के बीच का एंगल है, हमारे पास क्यू सदिश और आर सदिश के बीच का। तो हमने जिसको जहाँ पर शिफ्ट किया है, हमने गामा को शिफ्ट यहाँ पर कर दिया है, सॉरी क्यू सदिश यहाँ पर आ चुका है, तो ये है पी, ये है क्यू, और आर सदिश को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो एक हमारे पास बन गया पाई माइनस बीटा, एक हमारे पास बन गया पाई माइनस अल्फा, और क्यू को थोड़ा आगे बढ़ाइए तो आपको कुछ समझ में आने वाला है। देखो क्यू को पीछे की तरफ बढ़ाया और ये सदिश क्या है, वेक्टर आर, तो ये वाला एंगल क्या है अल्फा, मतलब कि ये एंगल कौन सा बन गया हमारे पास, ये एंगल बन गया पाई माइनस अल्फा। बताइए डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए क्लियर है कि नहीं है डायग्राम, ये तीनों डायग्राम क्लियर है। मतलब ये जो बल ऐसे दिख रहे थे आपको, ये जो संतुलन में ये जो बल बन रहे थे, दरअसल ये क्या है, ये तीनों बल जो हैं ये त्रिभुज की बंद भुजाओं में लग रहे हैं, त्रिभुज की बंद भुजाओं में लगने वाले ये तीनों बल हैं। बताइए क्लियर है, एक बार बोलिए यस और नो। यस, रिप्लाई किसी का नहीं आ रहा है भाई साहब। अब ये बताइए ये क्या बात हुई, रिप्लाई तो करिए, अगर समझ में आ रहा तो हाँ बोलिए, नहीं तो ना बोलिए। हेलो सूरज सर, कैंडिडेट से पूछिए क्या है रिप्लाई इनका, क्या हमने जानकारी सही नहीं दी है क्या? बताइए स्टूडेंट्स प्लीज, एक बार समझ में आया कि नहीं है आपको ये? सर स्क्रीन सही से दिख नहीं रही है। सूरज सर स्क्रीन सही से नहीं दिख रही है। हेलो हेलो सर, स्क्रीन सही से नहीं दिख रही सर, क्या चलिए। तो अब हमारे पास ये त्रिभुज बन चुका है, अब हम पढ़ते हैं साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल हम जानते हैं कि ए अपॉन साइन ए, किसी त्रिभुज के जो तीन कोण हैं, ये सपोज ये कोण ए है और इसके सामने की भुजा स्मॉल ए होती है, ये कोण बी है इसके सामने की भुजा स्मॉल बी, और ये कोण सी है इसके सामने की भुजा स्मॉल सी,
तो a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। तो इस रूल से यदि मैं लगाऊं इसको तो a की जगह यहां पर कौन है p, तो p अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा इक्वल टू q अपॉन साइन पाई माइनस बीटा इक्वल टू r अपॉन साइन पाई माइनस गामा। और आप जानते हैं कि साइन पाई माइनस अल्फा साइन बीटा साइन गामा होता है, तो हमारे पास फाइनली ये फॉर्मूला आ चुका है p अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू q अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू r अपॉन साइन गामा। तो यहाँ से ये लामीस थ्योरम का प्रूफ होता है साइन के रूल से। चलिए तो अब इस पर सवाल करते हैं, देखते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइए कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसको हम दोबारा एक्सप्लेन करें। अब देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए कुछ बल आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ और वो बल एक साम्यावस्था वाला निकाय बना रहे हैं। तो ये बल है आपके पास जिसका नाम है टी वन, और दूसरा बल है ये जिसका नाम है टी टू, और इसके साथ एक भारी द्रव्यमान लटका हुआ है। यस सर। और भारी द्रव्यमान जो है जी जी सर, यस सर। हाँ आप लोगों का रिप्लाई बहुत देर बाद आया है, मतलब मेरी आवाज़ काफ़ी लेट डिले हो रहा है। हाँ सर एकदम सब क्लियर है सर। चलिए सर ठीक है, तो ये अपने पास जी सर, जी सर ये अपने पास में जी सर आ गया समझ में। चलिए ठीक है, मेरी आवाज़ राइट नाउ अभी आपके पास तुरंत पहुंच रही है, थोड़ा रुक के पहुंच रही है? अब दिखने लगी सर, अब दिख रही सर, अब दिख रही सर स्क्रीन। आप लोग अगर ऐसा दिख रही सर, ऊपर का नहीं दिख रहा है। हाँ ऊपर का मैंने हटा दिया है, अब देखिए सही है, क्लियर है। अगर कहीं आपको लगे कि स्क्रीन नहीं दिखती तो आप लोग एक बार लेफ्ट होकर के फिर से ज्वाइन कर लिया करो, स्क्रीन दिखने लगेगी। मेरी तरफ से नेटवर्क में कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो में भी हो सकता है, मेरी तरफ से नेटवर्क में कोई इशू नहीं है, ठीक है? आप कहेंगे तो मैं टेस्ट कर दूंगा स्पीड, अभी कोई दिक्कत नहीं मेरी तरफ से। आप लोग रिफ्रेश मतलब फिर से लेफ्ट करके एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए खैर कम बैक टू द टॉपिक। ये हमारे पास दो बल हैं, एक टी वन है एक टी टू है। टी वन और टी टू जो हैं इनके कोण जो हैं आपके दिए हुए हैं कि ये आपके क्षैतिज के साथ ये 30 अंश बना रहे हैं, और ये बना रहा है आपका 45 अंश। और ये बल कितने का है, नीचे की तरफ ये जो बॉक्स लगा है ये 5 न्यूटन का है, और ये निकाय साम्यावस्था में है। तो आपसे पूछा गया है कि T1 ज्ञात करो और T2 ज्ञात करो। बताइए मित्रों सर, सर आपकी स्क्रीन सही से दिख नहीं रही है जहां आप ये सब कर रहे हैं अभी। हाँ मेरी स्क्रीन सही से दिख नहीं रही है, रुकिए सर थोड़ा सा, 5 न्यूटन का, एक सेकंड सर रुकिए, कुछ करते हैं इसको। इधर का तो 150 हो जाएगा। हाँ नहीं 150 नहीं होगा। देखिए 30 है और ये नीचे वाला 90 हो जाएगा, तो 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 हो गया, हो जाएगा ना 120 जी। और ये वाला कोण जो है कितना हो जाएगा बताइए, 45 और 90 नीचे का होगा 135 हो जाएगा, 120 बिल्कुल सही। तो ये 120 135, यस। तो अब इसमें आप लामीस थ्योरम लगा सकते हैं सर, 120 और 135 और 105 बिल्कुल सही। तो आप इसमें अब लामीस थ्योरम लगा दीजिए, तो लामीस थ्योरम से क्या बनेगा, टी वन अपॉन हो जाएगा। हाँ सर कितना हो जाएगा ये, टी वन अपॉन साइन, देखिए टी वन के सामने का कोण कितना है 135 है, तो टी वन अपॉन साइन 135 इक्वल टू टी टू अपॉन साइन 120 इक्वल टू टी थ्री अपॉन कितना आ जाएगा बताइए, T3 नहीं है यहाँ पे, यहाँ 5 न्यूटन है, तो इधर पे 5 रख लीजिए, 5 न्यूटन अपॉन कितना आएगा साइन 105। बोलिए कोई प्रॉब्लम, T1 अपॉन साइन 135। हाँ जी ठीक है सर, साइन 135। तो अब हमें T1 की वैल्यू निकालना है, तो T1 इक्वल्स टू
इसको लास्ट को पहले वाले को लास्ट से कंपेयर करेंगे तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन साइन 105 मल्टीप्लाई बाई साइन 135 और T2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 135 हाँ साइन 5 अपॉन साइन 105 मल्टीप्लाइड बाई साइन 135 अब इनकी जो साइन 150 150 नहीं आएगा 150 का तो कहीं रोल ही नहीं है है ना 105 है वो जो आप 150 कह रहे हैं वो 105 है ठीक है एनी प्रॉब्लम चलिए मित्रों बताइए कोई दिक्कत इसमें 5/√ हाँ ठीक है उसकी वैल्यू मैं निकालने में यहाँ पे अभी मैं मतलब ज़्यादा मैं उसकी वैल्यू को निकालने को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ 5/√ तो कोसेक 105 अरे हाँ ठीक है उसकी वैल्यू जो भी है कोसेक 105 के हिसाब से आप निकाल लीजिएगा चलिए ठीक है सूरज सर क्लियर आ रहा है एकदम सब कुछ सही है सर T1 की वैल्यू 3/√3 प्लस बनाया है हाँ और सर T2 की वैल्यू 5/√6/√3 प्लस बनाया है हाँ ठीक है सर वो मतलब जो आप वैल्यू पुट करके साइन 105 तो अपन को आता नहीं है है ना 105 की वैल्यू फिर कैलकुलेटर से निकालनी पड़ेगी या क्वेश्चन को देनी पड़ेगी है ना सर √3 + 1/√2 होगा सर नहीं वो साइन 15 की वैल्यू हो जाएगी ना सर साइन 15 निकाल लिया होंगे ना cos 15 की वैल्यू निकाल लिया अंडर 3 तक Exactly, sir. So, 60+45 कर देंगे सर तो √3 + 1/√2 आएगा एग्जैक्टली सर कोई दिक्कत नहीं है साइन 105 मित्रों कैसे निकालेंगे देख लो साइन 105 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 90+15 और सर 90+15 साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो कॉस 15 और कॉस 15 होता है √3 + 1/√2 सर सही है ना यही होता है ना सर हेलो जी सर यस तो इसमें आप वैल्यू अब यहां पर आप साइन 100 जी सर यही होगा यस तो आप साइन 105 की वैल्यू आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं तो 5 अपॉन साइन 105 मतलब √3 + 1/√2 तो 2√2 ऊपर आ गया और आपके पास 35 की 1/√2 हो गई हां 35 की वैल्यू 1/√2 भाई साहब ठीक है ना तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 5×10 हो जाएगा ये 2 और नीचे कितना आ गया √3 + 1 बोलो सही है कोई दिक्कत डन आगे बढ़े सर जी सर चलिए जी सर ठीक है चलिए अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया हुआ है आपके सामने एक रिजिड सपोर्ट दिया गया है एक दृढ़ सिरा दिया गया है और दृढ़ सिरे से एक डोरी लटकी हुई है और ये डोरी बना रही है 80 अंश का कोण और इसका तनाव है टी और आपके पास में एक ब्लॉक है यहाँ पर और इससे एक ब्लॉक लटका हुआ है वेट सर ये स्क्रीन थोड़ा आप डाउन कर दीजिए सर दिख नहीं रहा है अभी हाँ ठीक 100 न्यूटन का है ठीक है सर क्लियर है एकदम स्क्रीन दिख रही है